का माल जा रही है। तो छोड़ लड़की को, तुम्हारी बहन लगती है। हर लड़की किसी ना किसी की बहन बेटी होती है संसार में। क्या किसी ने तुम्हें नहीं सिखाया इज्जत करना संस्कार में? मेरा माथा मत गरम करो, मेरे रस्ते से हट जाओ। ओए दुशासन के औलाद हो, छोड़ दो मत तंग करो इसे बीच बाजार में। रूपा मुझे कब तक तड़पाओगे? देखो विक्की, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ और आज भी कह रही हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और आइंदा से मुझे ना तंग करना बंद कर। बहन बेटी की तरफ आग उठा देख लेना, साले पेट्रोल डाल के जिंदा जलाते। अरे यार किसने क्या की? हम बताओ उसका, हम अभी सबक सिखाते हैं। भैया उसका नाम रोहित कुमार है और उसके पिता का नाम केशव कुमार है। भैया चिंता न करिए, हम तुम नहीं पढ़ लेंगे। नहीं विक्की, हम अभी जाके सबक सिखाते हैं। ए चलो मेरे साथ। तुम ही हो किशन कुमार? हाँ मैं ही हूँ किशन कुमार। तुम्हारा बेटा रोहित कुमार कहाँ गए, उसको बोलो। मेरा बेटा तो घर में नहीं है। और क्या बात है विधायक जी, आप तो बड़े गुस्से में लग रहे हैं। आखिर मेरे बेटे रोहित को क्यों ढूंढ रहे हैं? मेरा बेटे ने सांप के बिल में हाथ डाला। मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? तुम्हारे बेटे ने हमारे भाई विक्की को बड़ी बेरहमी से मारा है। शायद तुम्हें पता नहीं कि हमारे भाई की तरफ आँख उठाकर देखने वाले की हम आँखें निकाल लेते हैं। अब तुम्हारा बेटा क्या हाल करूंगा? मगर मेरा बेटा रोहित बिना वजह मक्खी भी नहीं मारता। जरूर आपके भाई विक्की ने कोई ऐसी गलती की होगी जिसे मजबूर होकर उसको हाथ उठाना पड़ा होगा। विधायक जी उसे घर आने दीजिए, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। मैं उससे सबक सिखाने कोई जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा। रोहित जैसे आएगा मेरे पास भेज देना। ठीक है विधायक जी, जैसा आप। चलो।